हेलो एवरी वन तो आज हम लोग देखने वाले हैं एच एफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जो हमारा एयरक्राफ्ट में जो है इंस्टॉल्ड होता है फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन तो सबसे पहले जो एच एफ सिस्टम हमारा इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में उसका यूजेज देखेंगे क्या यूज है हमारा तो सबसे पहला यूज है हमारा यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज बिटवीन द एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट टू ग्राउंड तो दो एयरक्राफ्ट के बीच में बातचीत करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए और एयरक्राफ्ट टू ग्राउंड जो कि हमारा ग्राउंड स्टेशन जस्ट लाइक एटीसी जो होता है हमारा उससे बातचीत करने के लिए एंड स्पेशली फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन मतलब कि लंबी दूरी तक के लिए जो है कम्युनिकेशन करने के लिए जो है हम एच एफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं इट इज जनरली नॉट फाउंड इन द लाइट एयरक्राफ्ट एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एयरक्राफ्ट विच ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ओवरसीज ट्रांस ओशियनिक फ्लाइट्स तो ऐसे एयरक्राफ्ट जो हमारे ट्रांस ओशियनिक फ्लाइट्स करते हैं मतलब कि ओवरसीज समुद्र के ऊपर काफी लंबी दूरी तय तय करनी होती है उन एयरक्राफ्ट में जो है हमारा एच एफ सिस्टम मैंडेटरी होता है और ये लाइट एयरक्राफ्ट में जो है नहीं पाया जाता है क्योंकि लाइट एयरक्राफ्ट जो बने होते हैं हमारे वो शॉर्टर डिस्टेंस पे ट्रेवल करने के लिए बने होते हैं फिर हमारा द एचएफ ग्राउंड स्टेशन आर मेनली नोन एज द रडारा एंड मवारा तो हम इसको क्या बोलते हैं जो एच एफ ग्राउंड स्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं रडारा एंड मवारा रडारा होता है हमारा रीजनल डोमेस्टिक एयर रूट एरियाज एंड मवारा होता है हमारा मेजर वर्ल्ड एयर रूट एरियाज तो ये दो हमारे स्टेशन होते हैं जो हमारे एच पे कम्युनिकेट करने के लिए लगे होते हैं फिर जो दूसरा यूज है हमारा एच एफ कम्युनिकेशन के लिए जो एच एफ सिस्टम पे हमारा वर्क करता है वो है हमारा डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन तो हम एच एफ पे एयरक्राफ्ट में हम क्या कर सकते हैं डिजिटल डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं विच कैन बी अ टेक्स्ट मैसेज और ब्रॉडकास्ट ऑडियो तो क्या हो सकता है एक टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है और एक ब्रॉडकास्ट ऑडियो भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए वोलमेट सीगमेंट मिटार मिटार जैसे क्या होता है कि ये टेक्स्ट मैसेज करके चला आता है और उसका प्रिंट आउट भी निकल जाता है ये क्या होता है सारे वेदर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो हमारा इसमें होता है और डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन के थ्रू हमें अवेलेबल हो जाता है फिर जो है हमारा यूज हो गया यूज के बाद से हम देखते हैं कि इसकी जो बैंड होती है क्या होती है फ्रिक्वेंसी क्या होती है और कैसे ये ऑपरेट करता है हमारा तो इन जनरल द एच एफ रेंज इज थर्ट थ्री टू थर्टी मेगा तो जनरल में जो एच एफ रेंज होता है किसी भी अदर फील्ड की बात करें तो उसमें हमारा थ्री टू थर्टी मेगा हार्ट कंसिडर किया जाता है बट इन एविएशन द एच एफ रेंज यूज इज टू टू थर्टी मेगा हार्ट तो जो एविएशन uh, फील्ड में जो हमारा एच एफ रेंज होता है कंसिडर किया जाता है वो टू से थर्टी मेगा हार्ट के बीच का जो फ्रीक्वेंसी uh, रेंजेस होती है उसमें हमारा जो एच एफ कम्युनिकेशन होता है एच एफ ब्रॉडकास्ट होते हैं और ये जितने भी चैनल्स होते हैं हमारे वो हंड्रेड हर्ट्स के होते हैं मतलब कि टू मेगा हर्ट्स के बाद से जो अगला हमारा फ्रीक्वेंसी होगी जो अगला हमारा चैनल होगा वो हंड्रेड हर्ट उसमें प्लस कर दें तो हमारा एक चैनल मिल जाएगा फिर उसके बाद से जो है उसमें हर हंड्रेड हर्ट्स प्लस कर दें तो हमें एक और चैनल मिल जाएगा तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो थर्टी माइनस टू टोटल हमके हमको ट्वेंटी एट मेगा हर्ट्स का जो है बैंडविथ मिलता है और उस ट्वेंटी एट मेगा हर्ट्स की बैंडविक में अगर हम हंड्रेड हर्ट्ज की स्टेपिंग्स पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ चैनल जो हो जाते हैं टू लेख एट्टी थाउजेंड हमारे टोटल नंबर ऑफ चैनल्स हो जाते हैं और चूंकि जो है हमारा एच कम्युनिकेशन लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम यूज होता है तो इसमें जो है हमारा कौन सा प्रपोगेशन यूज होगा स्काई वेव कम्युनिकेशन यूज होता है स्काई वेव यूज होता है हमारा क्योंकि स्काई वेव प्रोपोगेशन ही एकमात्र ऐसा हमारा प्रोपोगेशन है वेव का जिससे हम लॉन्ग रेंज को अचीव कर सकते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि आइनोस्फेरिक लेयर से जो हमारी वेब से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर काफी लंबी दूरी तक कर लेती है तो हमको काफी लॉन्ग रेंज का कम्युनिकेशन देखने को मिलता है एच कम्युनिकेशन में फिर जो है हमारा मोड क्या, mode क्या है मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है किस मोड पे ऑपरेट करते हैं तो ये होता है हमारा सिंगल चैनल सिंप्लेक्स एंड सिंगल साइड बैंड अब ये दोनों टर्म्स हमारे क्या होते हैं तो मोड ऑफ ऑपरेशन जो है अगर हम बात करें ठीक है तो मोड ऑफ ऑपरेशन हम देखते हैं सिंगल चैनल सिंप्लेक्स तो सिंगल चैनल सिंप्लेक्स का जो है क्या मतलब होता है हमारा सिंगल चैनल सिंप्लेक्स का मतलब होता है वन फ्रीक्वेंसी वन एंटीना फॉर बोथ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ठीक है तो जो हमारा एक एंटीना होगा उसी का काम होगा ट्रांसमिट करना भी और उसी का काम होगा रिसीव करना भी मतलब कि ट्रांसमिशन के लिए और रिसीविंग के लिए दो अलग अलग एंटीनाज नहीं होंगे केवल एक ही एंटीना होगा और सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर हमने 23 मेगाहर्ट्ज को ट्यून कर दिया है अपने एंटीना को तो उसी फ्रीक्वेंसी पे जो है हमारा ट्रांसमिशन भी होगा और उसी फ्रिक्वेंसी पे जो है हम रिसीव भी करेंगे ठीक है और एंटीना भी हमारा एक ही होगा फिर हमारा सिंगल साइड बैंड तो सिंगल साइड बैंड का ऑपरेशन का मतलब यह कि जो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड वेव होती है उसमें जो है हमारी करियर वो ट्रांसमिट नहीं होगी मेनली केवल जो सिंगल साइड बैंड या तो यूएसबी या तो एल ठीक है तो एलएसबी हमारा लोअर साइड बैंड हो गया ये हमारा अपर साइड बैंड हो गया कोई एक जो है साइड बैंड हमारा जो है वो ट्रांसमिट होता है किसी किसी एयरक्राफ्ट में जो है हमारा पूरी की पूरी एम्पलीट्यूड मॉड्यटेड वेव भी ट्रांसमिट होती है तो उसमें जो है ज्यादा एनर्जी लगती है उसको उस टाइम पे फिर जो हमारा ट्रांस रिसीवर है उसको ज्यादा एनर्जी पे ऑपरेट करना पड़ता है तो ये

अगर मैं वीएचएफ की बात करूं तो जिन लोगों ने एयरक्राफ्ट में काम किया होगा उनको एक चीज पता होगी कि हमारे टोटल तीन वीएचएफ सिस्टम होते हैं जिनको बोलते हैं एंड लेकिन जो एच सिस्टम होता है वो हमारा दो सिस्टम्स होते हैं एच वन एंड एच टू और हर एक एच इंस्टॉलेशन में क्या होता है टोटल तीन मेन कम्पोनेंट होते हैं इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन हैंट्स तो तीन मेन कंपोनेंट में पहला हमारा है ट्रांस रिसीवर दूसरा है हमारा कपलर एंड एटीयू एटीयू मतलब एंटीना ट्यूनिंग यूनिट तीसरा है हमारा एंटीना जिससे कि हमारा एनर्जी जो है रेडिएट होती है इसके बारे में देखते हैं जरा ठीक है तो ये हो गया हमारा ट्रांस रिसीवर। पहला जो मेन कंपोनेंट है वो हमारा क्या हो गया ट्रांस रिसीवर अब हमारा जो एच uh, एफ सिस्टम है वो सिंगल चैनल सिंप्लेक्स पे वर्क करता है इसका मतलब एक ही एंटीना होगा फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसीवर ठीक है तो उसके लिए जो हमारा uh, सिग्नल होगा वो हमारा एंटीना के पास जाएगा और एंटीना से ही रिसीव भी होगा तो दोनों फंक्शनिंग को सेम कराने के लिए जो है हमको ट्रांस रिसीवर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ट्रांस रिसीवर के नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर तो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों का काम जो हो होगा हमारा ट्रांस रिसीवर करेगा और यही जो है सिग्नल को जनरेट करके एंटीना के पास भेजेगा और फिर एंटीना जो है हमारा इन द एनवायरमेंट एटमोस्फेयर में सिग्नल्स को रेडिएट करेगा तो पहला हमारा ये कंपोनेंट हो गया दूसरा हमारा कंपोनेंट क्या हो गया कपलर हो गया कपलर का काम क्या होता है कपलर का काम ये होता है कि एंटीना को प्रॉपर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून करना अब चूंकि हम एच कम्युनिकेशन में हमारा कौन सा प्रोपोगेशन यूज होता है स्काई वेव कम्युनिकेशन यूज होता है और स्काई वेव कम्युनिकेशन हमारी बेस्ड होती है आइनोस्फेरिक लेयर पे आइनोस्फेरिक लेयर जो होती है हमारी एटमोस्फेयर में उसकी डेंसिटी जो है हमेशा चेंज होती रहती है डे में कुछ और होती है और नाइट में कुछ और होती है तो उससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग हमको यूज करनी पड़ती है इसलिए एंटीना को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना पड़ेगा तो कपलर जो होता है वो हमारा एंटीना को ट्यून करता है ठीक है और कपलर से हमारा अटैच होता है एंटीना ट्यूनिंग यूनिट और ये जो एटीयू होता है ये हमारा होता है कॉकपिट में इसमें एक पैनल इंस्ट्रूमेंट पैनल के आसपास ही हमको ये चीज मिल जाती है और उसमें एक नॉब लगा होगा इस नॉब से हम क्या करेंगे एंटीना uh, को ट्यून करेंगे तो एटीयू जो है हमारा सिग्नल सेंड करता है कपलर के पास कपलर क्या करता है एंटीना को प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर देता है फिर है हमारा कि एटीयू इज लोकेटेड इन द कॉकपिट तो इसी हम लोग देख लिया कि कॉकपिट में हमारा जो एटीयू लगा रहेगा ठीक है और जो हमारा एंटीना होता है एंटीना इज लोकेटेड इन द लीडिंग एज ऑफ द दर्टिकल स्टेबिलाईजर जो हमारा एंटीना होता है एंटीना हमारा कहां लगा होता है एयरक्राफ्ट के जो वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर के लीडिंग एज पे लगा होता है उसी के आसपास जो है हमारा कपलर भी लगा होता है और जो हमारा ट्रांस रिसीवर होता है वो आफ्ट इक्विपमेंट बे में जो है हमारा ट्रांस रिसीवर लगा होता है तो आई थिंक एच के लिए जो है हमारा इतना इंफॉर्मेशन काफी रहेगा ठीक है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वी कम्युनिकेशन की बात करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू